मार्ग दुर्घटना में पत्नी की मौत, बेटा बेटी घायल। बरेली के थाना देवरनिया के गांव इटौआ निवासी प्रवीण कुमार अपनी पत्नी बबली, दो बच्चों के साथ बरेली अपनी ससुराल मोहल्ला नवादा शेखान आ रहा था। बिलवा बाईपास से आगे गांव बिलासपुर के पास पीछे से बाइक ने टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही पत्नी बबली, लड़की कीर्ति 7 वर्ष और लड़का 8 माह का गिर गए। बबली देवी की गंभीर रूप से घायल हो गई। घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया। बबली कुछ देर बाद दम तोड़ दिया। डॉक्टर ने बबली को मृत घोषित कर दिया। मौत की सूचना के बाद परिराम में कोहराम मच गया। पुलिस ने सबका पंचनामा भर के सबको पोस्टमार्टम को भेजा। क्या नाम है आपका? प्रवीण कुमार। प्रवीण, बताए क्या करना हो? सर, हम गांव से ससुराल जा रहे थे, तभी हम डिवाइडर पर खड़े हुए गाड़ी क्रॉस करने इंडिकेटर देते हुए, तभी पीछे से बाइक ने टक्कर मार दी। तभी बच्चे गिर गए, पहले बच्चे संभाले, उसके बाद मैडम संभाला, तो कुछ उधर के से लोग आ गए, तब उनने एक खाट मंगाई थी तो उस पर डिटाला, तब एम्बुलेंस आ गई, एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले गए। अस्पताल में सर पहले ले गए मौर्य हॉस्पिटल, मौर्य हॉस्पिटल मेडिसिटी, मेडिसिटी में मृत्यु घोषित कर दिया। उसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट आ गए सर। हम प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं। 3 बच्चे हैं सर। कौन बच्चा, कौन कौन गाली? एक लड़का था सर, एक लड़की थी। लड़का 8 महीने का है, लड़की 6 साल 7 साल की है। एनजी न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।